क्लास टेंथ चैप्टर टू अम्ल क्षार तथा लम्ब। आज की क्लास में कल की क्लास से आगे कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था पीएच स्केल या पीएच पैमाना, जिसमें हम लोगों ने पीएच और पीओएच में कुछ संबंधों की गणना भी की थी। आपकी किताब में कुछ आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। इन आंकिक प्रश्नों को हमें पीएच और पीओएच के सूत्रों को प्रयोग करके हल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन आप अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 N है, इसे हम लिख सकते हैं H+ आयन सांद्रण इक्वल टू 0.01 N। तो इस मान को सबसे पहले हमें घातांक में परिवर्तित करना होगा। हम पॉइंट को हटा देते हैं, मान बनता है 1/100। 100 को लिखते हैं 10^2। इस घातांक को यदि ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह माइनस होकर 10^-2 N हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें पीएच मान की गणना करनी है। पीएच का सूत्र लगाते हैं माइनस लॉग H+ आयन की सांद्रता है 10^-2। जब कोई वैल्यू लॉग में हो और पावर में हो तो उसका घातांक यहाँ आगे आ जाता है। गणित में आप पढ़ते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 आगे आ जाएगा, वैल्यू बचेगी 2 log 10। लॉग 10 का मान सदैव 1 होता है, इसलिए पीएच मान 2 है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको हल करना है, जहां हाइड्रोजन आयन का सांद्रण घात के रूप में दिया गया है। आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, वैल्यू पुट अप करनी है, घातांक को आगे लाना है, माइनस माइनस को प्लस कर देना है और log 10 का मान 1 हो जाता है, इसलिए log 10 हट जाता है। या 2 × 1 लिख दीजिए बराबर 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है, पीएच मान दिया गया है 4, हमें इस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात करना। कल के टॉपिक में या कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने लिखा, वो फॉर्मूला था H+ आयन सांद्रण इक्वल टू 10^-pH। अब यहाँ पर हम यदि पीएच मान को ले आए तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10^-4 हो जाएगा। अब इसके लिए इकाई जरूर प्रयोग की जाती है, पीएच के लिए कोई इकाई नहीं होती। जैसे यहाँ आपने देखा एन लिखा है, एन का मतलब हो जाता है नॉर्मल या तुल्यांक प्रति लीटर। उसी तरीके से हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लिए यूनिट मोल प्रति लीटर प्रयोग की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने सॉल्व करके देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 में
क्या दिया गया है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण हो जाता है 1×10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। इस क्वेश्चन में हमें आगे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण ज्ञात करना है, मतलब OH- आयन का सांद्रण पता लगाना है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा, वो था H+OH- = 1.0×10⁻¹⁴। अब अगर हम इस जगह पर इस मान को ले आए तो 1.0×10⁻⁴ गुणे हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण बराबर 1.0×10⁻¹⁴। अब इस मान को पता करने के लिए इसको बटे में ले जाया जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण =1.0×10⁻¹⁴ /1.0×10⁻¹⁴। 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 आएगा। घात जब ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ -4 था, ऊपर गया तो +4 हो गया। अब -14 में से 4 घट जाते हैं, बचता है 1.0×10⁻¹⁰। तो यदि H+ की इकाई मोल प्रति लीटर है तो OH- की इकाई भी मोल प्रति लीटर ही होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन 6 को क्वेश्चन 1 के तरीके से ही आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 7 में दिया गया है हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, यानी OH- = 1.0×10⁻¹⁰ मोल प्रति लीटर। यहाँ पर हमें pH मान ज्ञात करना है। यह सवाल विशेष है क्योंकि जिस चीज में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण होता है उसमें pOH होता है, तो पहले हम pOH ज्ञात करेंगे और बाद में pH ज्ञात करेंगे। तो इससे हमें pOH ज्ञात करना हो तो pOH का सूत्र होता है -log OH- आयनों का सांद्रण। अब इस वैल्यू को यहाँ लाते हैं, बन जाएगा -log 1.0×10⁻¹⁰। इस घातांक को आप आगे ले आइए, माइनस माइनस प्लस और 10, तो 10 log, 1 का जब बचे हुए 10 में गुणा होगा तो log 10 हो जाएगा। हमने यहाँ बताया आपको कि log 10 का मान 1 होता है, तो 10×1=10, यानी pOH का मान 10। कल के टॉपिक में एक सूत्र लिखा था हमने, pH+pOH=14। यह जल के आयनिक गुणनफल के आधार पर लिया जाता है। pOH के मान को यहाँ रख दीजिए, pH+10=14, pH=14-10 या pH=4। तो इस तरीके से OH की सहायता से pH की गणना की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार आप क्वेश्चन 8 को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन 9 को सॉल्व कीजिए। इस पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। एक विलयन में
H प्लस की मात्रा 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान बताइए। तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है उसे आप यूज कर लीजिए, 4.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मोल प्रति लीटर। तो हमने यहाँ यूनिट लिख दी इसकी, मोल प्रति लीटर। अब यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण है तो पीएच मान भी होगा। पीएच के लिए सूत्र है माइनस लॉग एच प्लस आयन का सांद्रण। अब इस वैल्यू को यहाँ ले आइए, माइनस लॉग 4.0 10 टू दी पावर माइनस 9। इस 9 को आगे लाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आ जाएगा 9 लॉग 4 इंटू 10। अब इसको हमें दो हिस्सों में बांटना है। यदि इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं तो हमें पता चलेगा कि यह किस प्रकार का सल्यूशन है। अब यदि मान गुणे में दिया गया है, मान गुणे में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणे के मान को उसके हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं, 9 लॉग 4 प्लस लॉग 10। तो इसका 9 यहाँ पर भी आ सकता था और अलग भी आ सकता है। अलग आएगा तो पूरे में गुणा हो जाएगा, कि लॉग के लिए एक विशेष स्थिति बनती है कि यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व होकर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ ये करना है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस लॉग 4, माइनस प्लस माइनस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 9। अब ये हो जाता है माइनस लॉग 2 की पावर 2, मतलब 2 दूनी 4। ये माइनस जब इस माइनस के साथ गुणा होता है तो हो जाता है 9 लॉग 10। अब इस घातांक को आगे लाना है तो माइनस 2 लॉग 2 प्लस 9, इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ पर हमें लॉग 2 की वैल्यू रखनी है, तो माइनस 2 गुणे 0.3010, ये लॉग 2 का मान है और प्लस का 9। अब इसका गुणा कर दो अंदर, माइनस 0.6020 प्लस 9। अब 9 में से इसको घटा दो, 0.6020 0, 10 में 2 गए 8, 9, 3 और 8, तो वैल्यू आती है 8.398 pH। अब pH का मान तो आ गया, क्वेश्चन कहता है कि विलयन की प्रकृति बताओ। तो विलयन की प्रकृति से तात्पर्य ये है कि अगर pH का मान 7 से अधिक है तो ये 7 से बड़ी संख्या है, इसलिए विलयन क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हमने आपको आज कराए हैं, मैं इसकी फोटो भी आपको सेंड करूंगा, लेकिन इससे पहले भी आपको कुछ काम करना है। तो जो भी मैं सेंड करूंगा पहले उसे आपको अपनी कॉपी में करना है और फिर उसके बाद आपको इन न्यूमेरिकल्स को अपनी कॉपी में करना है।